वैसे एक बड़ी अजीब सी बात है शकूर साहब, शेख रशीद हैं एक हमारे, उन्होंने चार तो क्या एक भी शादी नहीं की, और एक आप हैं कि चार चार शादियां की बैठे। वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे डर लगती हो तुम खाली खूबसूरत नहीं हो माया। भाई एक बार बताओ, ये टैलेंट हर एक में होता नहीं? हमारे अंदर था, बचपन से शौक था वड़ानी बनने का। कद थोड़ा छोटा था हमारा, तो क्या हुआ, कुर्सी पर खड़े होकर अपना शौक पूरा कर लिया करते थे। एक बार सुना हमने किसी के मुंह से, कभी किसी ने कहा है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अच्छा मानूस मारा कमबख्त, जब से उसी को ढूंढ रहे हैं, तो मिल जाए हमें। वेरी गुड। कोई कुछ भी कहेगा फोन मान लेंगे, कोई कहेगा कि कुएं में छलांग लगा तो आप छलांग लगा देंगे? कहकर तो देखो, आई लव यू टू। एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे चलिए छोड़िए उन बातों को, बताइए आम आदमी से क्या सवाल कीजिएगा। मैं बात कर रही हूँ शकूर साहब ईद की। ईद के दिन इंसान अपनों से मिलता है, गिले शिकवे दूर करता है, खुशियाँ बांटता है, मोहब्बतें बांटता है, भूल जाता है गिले शिकवे सारे। बीबी तुम बिल्कुल मेरे अब्बा की तरह बात कर रही हो, ना माहौल देखा ना मौका, बस अपनी बात करनी है। हर बात पे याद दिला दी तुमने, जब गुस्सा आता था आग कर दूंगा आग कर दूंगा। ना खुल्फ खुल्फ नहीं खल्फ होता है, खल्फ। देखो यार बात कर लूँ हमसे या उर्दू सिखा दो, ताली में बालगन। अरे 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 इतने गुस्से में क्यों है? तो सिर्फ अच्छा खैर ये बताएं मुझे कि अब्बा की जायदाद में से कुछ मिला भी या नहीं? हाँ तीन जीरे थी, तीन जिन पे इतराते थे। मरने पर सारे बहन भाई कह रहे थे तुम रख लो तुम रख लो। हाय अल्लाह कितना प्यार मिसाली। आजकल कैसे कहाँ मिलते हैं ऐसे बहन भाई, के मिलते ही नहीं है मान से है? हाँ बहुत मिसाली हैं, जब भी तो आम आदमी। अरे चले छोड़े ना, ये बताएं कि जायदाद में से मिला क्या क्या आपको? शीन से शाबाश है तुम्हें, सुतली वाला कमरबंद, नेल कटर और एक दांत बकौल अब्बा के, उनके अब्बा ने उनको उनकी शादी पे दिया था। क्यों क्या सोने का था? सोने की बात करती हूँ, उन्होंने कभी धोया नहीं उसे, पान की पी के चावल के जो सूखे दाने। ओके कुर्बानी के बारे में बताते हैं शेख साहब, कुर्बानी हुई? चार बार कुर्बान हुए मोहब्बत के नाम पे। कभी कभी सोचता हूँ का तुझे कसाई की बेटी से शादी कर लेते। जनाब ये थी कुछ कल की यादें, तो ये आप लोग माया बहुत अच्छा लग ही रहा था। माया सीरियस थी नहीं रुखसाना? आपका क्या ख्याल है माया थी? ये माया हाँ हकीकी जिंदगी में माया ऐसी है। अरे हम जो रोज मिलने वाले ना उनसे पूछे, रियलिटी थी ये। उतारो ऐसा ना हो कि होस्ट की आप कुर्सी खाली करने के बाद आपको ऑफर आने शुरू हो जाए ड्रामा। ये ना होस्ट के बाद गोस्ट बन जाती गोस्ट। चुप कर। शायद अवान की कॉल है हमारे पास हसन अब्दाल से। हेलो शायद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, खैर मुबारक जनाब। आप आज आपने बहुत अच्छा सेट भी लगाया और अपना गेटअप भी बहुत खूबसूरत है। वैसे भी आपने जो है इसको बाखबर सवेरा को बहुत खूबसूरत बना दिया आपकी आमद ने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शौक से देखते हैं सब फैमिली वाले, और आज बहुत खूबसूरत लग रही है आप, अपना जो है नजर उतरवा ले। ठीक है देख रही है। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक, बहुत बहुत आपको, आपका बहुत शुक्रिया आपने इतनी दूर से कॉल किया हमें। थैंक यू सो मच, घर वालों को तमाम लोगों को ईद मुबारक। जनाब ये तो कुछ कल की यादें थी साथ में। आयशा व्हाट डू यू थिंक, आयशा जो है ना, आयशा मेरी बड़ी डिस्कशन लंबी लंबी होती हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेगमेंट दैट वी डिड यस्टरडे? आई थिंक इट्स अ मेनस्ट्रीम करियर, यू शुड टेक ऑन फुल टाइम। हाय अल्लाह जी, देखो इट वाज सो गुड, तुम क्यों ये कर रही हो, ये तो और भी कोई कर सकता है, तुम वो करो जो दूसरे कम नहीं, जो कम लोग कर सकते हैं। वाओ वाओ दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा आज अब वन वर्ड, हमारे कुछ गेम्स ऐसे हैं हमारे जो हमेशा से बड़े एवरग्रीन है ना, तो हम वन वर्ड खेलते हैं और मैं कुछ नाम पूछूंगी कामरान से, यानी कि मिस्टर हूएवर से, और कामरान बताएंगे उसके बारे में, उनका जो पहला इंप्रेशन आता है ज़हन में। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ पहला नाम जो है, पहला नाम है नुमान मसूद। नुमान मसूद? हाँ नुमान मसूद ने कुर्बानी पर क्या किया? बेचारा शरीफ आदमी है, वो बीवी के हाथों खुद ही कुर्बान हो गया होगा तो वो बेचारा बहुत शरीफ आदमी है। तेरे पास उस भी पॉलिटिशियन, वो मूछों वाला बकरा लाए होंगे ना, वो अपनी मूछों की तरह सीनदार बकरा लेके आए होंगे। तुम ये क्या चाह रहे हो, हैदर भाई सिंह मारते? अच्छा ये बताओ शेख रशीद, जवान बकरा, उन्होंने कहा होगा दो दांत का चार दांत का, इससे नहीं कुंवारा हो लेकिन जवान। परवेज लाई,
पंजाबी और पढ़ा लिखा बकरा भाई, यही जहन में आ रहा है। विनीजा जवान बकरा गैन, कसाई काट काट के बूढ़ा हो गया लेकिन बकरा जवान ही रहा। मीरा, मीरा की कुर्बानी तो पेशावर से भी पहले हो गई थी ना, मीरा ने तो कुर्बान अपना शौहर कर दिया था, शौहर कुर्बान हो गया। अली सलीम, उसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो प्रॉब्लम भी रह गया कि बकरा लाया बकरी। डॉक्टर आसिम, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर यासिर, यासिर अपना जिम्मेदार कौन वाला डॉक्टर यासिर? डॉक्टर यासिर तो छुपता फिर रहा है, खुद बकरा लगता है ना। क्यों? बस दाढ़ी की कमी है। अल्लाह बेचारे मेरे बच्चे को आपने कैसे कह दिया मासूम सा भाई मेरा। सोच लो। हाँ अच्छा खैर, गुलाबशाह, गुलाबशाह के तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हो गया? हाय हाय, 20 किलो का बकरा लाया, उन्होंने इतना बड़ा न्यूट्रिशन प्लान बना दिया, 16 किलो का रह गया, इनको तो बड़ी डांट पड़ी। और फैसल का भाग गया। हाँ फैसल, फैसल मलिक, हाँ आर्ट्स काउंसिल से मिला, भाग गया। और आपके बराबर में जो बैठी डॉक्टर रुखसाना, इनका सबसे शरीफ, इन्होंने इतने प्यार से लेक्चर दिया, खुद लेट गया। इसके ऊपर अभी बात करते हमारे साथ पिटाई, हमारे साथ सना है जिसके हाथ के मैंने मजेदार खाने हमेशा खाए हैं, मजेदार किस्म के बहुत शरबत। और सना जो है मिस्टर हुएवर की मिसेज है। हेलो सना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सना? तो मैं जान बूझ के लाया था कि मैं चुप हो जाऊं। चुप हो जाओ तुम, कैसी हो सना? हेलो। हाँ सना, टीवी की आवाज ऐसा करो। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही। कैसी हो? ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद मुबारक। टीवी की आवाज, हाँ भाई टीवी और बीवी की आवाज हमेशा ऐसा रखनी चाहिए। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग सारे। थैंक यू, थैंक यू सना। क्या कर रही हो ईद के दिन, क्या हो रहा है? बस अभी हम लोग गवादर में, बहुत मजा आ रहा है। रियली? जल्दी से मुलाकात लाजमी है। मैं BKS के लिए अब पीछे फंसा हूँ। राज खोल दिए। माया बहुत अच्छा शो कर रही हो। थैंक यू सो मच सना, लव यू। सबको पूरी टीम को ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुझे जल्दी से बताओ सना, एक सवाल, अगर तुमने कॉल किया है यार, थैंक यू सो मच, एक सवाल बताओ कि बकरीद पर कौन कुर्बानी का जानवर होता है? घर की मर्द, घर के मर्द या घर की औरतें? जाहिर है घर की औरतें, सारा काम उन्हें करना होता है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हो, तभी गवादर बैठी हो। ये ताने मार रहे हैं तुम्हें, ये लड़ाई करवा रही है कसम से, कलेजी के चक्कर में लड़ाई करवा रही है। जल्दी से वापस आओ। अच्छा और यहाँ सब लोग ईद मुबारक कह रहे हैं, पूरी टीम सबको देख रही है। थैंक यू सना, गॉड ब्लेस यू, ईद मुबारक, घेरो सारी, अल्लाह हाफिज, टाटा। ये साजिश थी, साजिश थी जान बूझ के। हाँ साजिश के बाद तुम्हें मुंह पर खारिश होना शुरू हो गई। शर्मिंदगी से डॉक्टर में कहा, डॉक्टर में कहा क्या दूं, इंजेक्शन लगा दे। ये लगा भी देगी, फायदा ना जाए, इंजेक्शन निकाल दो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो बोलती तो बकरे लेटे होते, तो इंसान है। शराब पे प्यार से बोले, रैपिड फायर खेले। रैपिड फायर एक हमारा बड़ा मजेदार किस्म का सेगमेंट है, ठीक है? और है अच्छा, एक काम करते हैं कि अभी, हाँ क्या करें, इनको भी दूसरे पैनलिस्ट भी, हाँ दूसरे पैनलिस्ट भी, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में अभी और भी बहुत सारे लोग आने वाले होंगे। रैपिड फायर खेलते हैं जनाब, आप लोगों ने बताना है कि बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है। नहीं आप डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं। मैं बताऊं? मसल, तीन ऑप्शन, ब्रेन, टंग या फुट। खातून ने बतानी होगा, फुट, टंग, स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि इससे आप चलते हो, बेस सारा आपका सारा वजन इसी का पड़ता है। खातून पूछ रही है, टांग है, टांग 100% टांग। अच्छा ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट इन व्हाट वे, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है भाई? इन एवरी वे भाई, आप बता दीजिए भाई, उसी में बता दो फिर। अच्छा ठीक है मैं जवाब दे देती हूँ, है टांग होता है यार, कसम से जुबान ना हो। डॉक्टर नु की हो गया।